एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज भी शेयर करने वाली हूँ फ्रूट क्रीम। तो चलिए चलते हैं किचन में। फ्रूट क्रीम बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है। केला, अमरूद, सेब, अंगूर, अनार, वनीला एसेंस, क्रीम, चीनी पाउडर, किशमिश, बादाम और काजू। आप अपने पसंद का कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं या तो स्किप कर सकते हैं, और ड्राई फ्रूट भी आप अपने पसंद से और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक बर्तन लिए हैं और इसमें क्रीम को निकाल लेते हैं। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप अपने घर की मलाई को भी ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए फेंटा है और इसका थिकनेस जो है वो इस टाइप का है और हमें ऐसा ही रखना है। और अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैंने चीनी को मिक्स कर लिया है और आप अपने हिसाब से चीनी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें फ्रूट ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें केला डाल रहे हैं, अमरूद, सेब और अब अंगूर, और अब हम अनार को डाल देते हैं। और अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने फ्रूट्स को मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, किशमिश, बादाम, काजू, और अब हम इसमें वनीला एसेंस डाल देते हैं। आधा चम्मच वनीला एसेंस हम दे रहे हैं। और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये अब हमारा रेडी है। और अभी से हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। 3 घंटा हो गया है और मैं इसे निकाल ली हूँ फ्रिज से। हमारा फ्रूट क्रीम अच्छे से सेट हो चुका है और अब हम इसे सर्व करते हैं। मैंने फ्रूट क्रीम को सर्व कर लिया है। और अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।